तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर सिक्स को जो है हमारा कोस्टल प्लेन जो भारत के हमारे तटीय मैदान जो है कोस्टल प्लेन उसको हम लोग देखने वाले हैं ठीक है गाइस तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में तटीय मैदान को कोस्टल प्लेन को ठीक है ओके तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है ये जो तट है हमारा कुछ इस तरीके से ये हमारा भारत का ये जो तटीय मैदान है कुछ इस तरीके से है इसको हमने अलग कर लिया है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर हमने रख लिया है अब इस वाले से मैं क्या करूंगा डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कौन कौन से तट जो है हमारे ईस्टर्न घाट में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन से आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन जो है हमारे पास बेसिकली दो है सबसे पहले इसको समझते हैं एक तो हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ठीक है ये वाला जो है यहाँ पर लिख देता हूं ये है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ठीक है उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला ये हमारा ईस्टर्न 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 कोस्टल प्लेन क्या है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ठीक है हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको पश्चिमी पश्चिमी मैदान प्लेन है उसी तरीके से ये पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा क्या हो जाएगा पूर्वी तटीय तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान नोट डाउन करते चलेंगे ठीक है नोट्स बनाते चलेंगे वैसे मैं पीडीएफ जो है इसके वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा वहां से आके डाउनलोड कर लेना और जब ये पूरी सीरीज हमारी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली मैं क्या करूंगा सारे पीडीएफ को एक करके एक मतलब जो भी है हंड्रेड या एटी पेजेस का जो हमारा पी होगा बुक होगा ई बुक वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वेबसाइट पर ठीक है तो वहां से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका और एक एक जो लेक्चर्स uh, है उसका पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां से आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद ठीक है <coughs> सॉरी अभी कंसंट्रेट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे अपने इस ट्यूटोरियल पे ठीक है तो अब यहाँ पर हमने देखा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये रेड वाला जो पार्ट है ये वे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो राइट वाला ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूर्वी तटीय मैदान है अब इसको भी हम कई पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरा जो तटीय मैदान है वो डिफरेंट स्टेट्स जो है इसमें इन्वॉल्व है जैसे गुजरात हमारी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें इसमें हमारा महाराष्ट्र हो सकता है गोवा हो सकता है नीचे में आप इधर देखें तो कर्नाटका वगैरह केरल वगैरह भी हो सकती है उसी तरीके से इधर अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट है अगर इसमें देखिए गुजरात वाला पार्ट है यहाँ तक उसी तरीके से गुजरात के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये दमन दमनदीप वाला एरिया है उसके बाद ये हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है ये गोवा वाला एरिया है ये कर्नाटक वाला एरिया है और ये केरल वाला एरिया तो ये कई स्टेट्स इन्वाल्व हैं तो इसीलिए हमारा जो तट होगा तट की जो नेमिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में डिवाइडेड होंगी उन सारे नेम्स को हमें याद रखना है तो हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा तट हमारा किससे रिलेटेड है और किसकी बात की जा रही है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं काठियावाड़ कोस्ट कोष्ट कोस्ट कहां से कहां तक है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं तो गुजरात से दमन तक का जो तट है उसको काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं यहां देखिए यह गुजरात है और दमन द्वीप आपको यहां पे मिल जाएगा है ना यहां पे मिल जाएगा तो अगर हम लोग बात करें कि यहां से लेके अगर यहां तक की बात करें ठीक है यहां तक की तो ये हमारा कहलाता है को। काठियावाड़ कोस्ट काठिया का ठीक है काठियावार कोस्ट कहलाता है ये काठियावार कोस्ट याद रखिए इसे कहते हैं अब देखिए यहां से लेके ये जो दमन है हमारा इसलिए मैंने मैप इधर रखा है ताकि इधर मैं मैप से भी क्या करूं डिस्क्राइब करते चल जाऊं यहां पे गोवा वाला पार्ट है ये गोवा तो दमन से लेके ये गोवा वाला जो पार्ट है ये वाला यहां पर भी देख लीजिए तो गोवा हमारा मान लीजिए कि ये कहीं यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पे आ जाएगा तो यहां से लेके यहां तक मैं नेमिंग भी लिखते चला जाता हूं यहां पे यहां पर लिख देता हूं गुजरात से लेके दमन ये दमन है और दमन से लेके ये गोवा है तो गोवा गोवा तक का पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है यहां देखिए दमन से लेके गोवा तक वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है कोंकण कोस्ट क्या कहलाता है कोंकण कोस्ट कोंकणी लैंग्वेज भी बोली जाती है बेसिकली ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है तो यहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई वाला पार्ट है ये यह, यहां पर देख पाएंगे आप ये देखिए ये महाराष्ट्र हमारा तो कोंकण लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है तो लैंग्वेज के नाम भी दिया गया है यहीं पे मैं लिख देता हूं इसको हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट कोंकण कोस्ट ठीक है याद रखिएगा कोंकण कोस्ट है यह, अब देख लीजिए ठीक है गोवा से न्यू मैंगलोर अब मैंगलोर अब चलते हैं बैंगलोर कहाँ पे है यहां पे यहां पर कुछ आ जाएगा कर्नाटक ये पूरा कर्नाटक वाला पार्ट है तो बेंगलोर ऑब्वियसली इसी में होगा तो यहां तक अगर आ जाएंगे ये वाला पार्ट यहां तक तो ये वाला जो पार्ट होगा ये गोवा से लेके कहाँ तक न्यू मैंगलोर ठीक है तो गोवा से लेके न्यू मैंगलोर यहां पर देखिए गोवा है अब गोवा से लेके ये जो पूरा एरिया है न्यू मैंगलोर तक ये ये कन्नड़ तट कहलाता है क्या कहलाता है कन्नड़ तट तो इसको लिख लीजिए कन्नड़ कोस्ट C O ए एस टी कोस्ट ठीक है कन्नड़ ठीक है हिंदी में भी यही होगा कोंकण तट ठीक है हिंदी में भी यहां पर भी यही होगा काठियावाड़ कोस्ट ठीक है तो यही सेम नेम है अब देखिए अब फाइनली जो है हमारे पास कन्या यहां यहाँ से देखिए न्यू मैंगलोर जो है न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है मतलब यहां लास्ट तक यहां तक अगर देखें लास्ट तक न्यू मैंगलोर से ये लास्ट वाला मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट ठीक है तो ये जो है ये हमारी कहलाती है कोरोमंडल तट सॉरी ये मालावार तट कहलाती है न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक क्या है मालाबार तट मालाबार कोस्ट मतलब माला बार तट कहलाती है क्या कहलाती है मालाबार तट कहलाती है ये याद रहेगा ठीक है।, है अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से इसको देख लेते हैं ताकि दिमाग में क्या हो जाए सेट हो जाए और बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत ना हो यहाँ पर देखिए गुजरात वाला जो एरिया है गुजरात से लेकर दमन तक का दमन एंड दीव वाला एरिया अभी इसको दो हजार उन्नीस में यूनियन टेरिटरी तो दमन से लेके यहाँ गुजरात से लेकर दमन वाला एरिया मतलब ये ये पूरा एरिया यहां से लेके ये पूरा तट वाला जो एरिया है हमारा ये हमारा क्या कहलाता है तो ये हमारा कहलाता है काठियावाड़ कोस्ट पहला ठीक है दूसरा आप देख लीजिए दूसरा आप देखिए यहाँ दमन से लेके ये जो गोवा वाला पार्ट है महाराष्ट्र वाला कह जाता है गोवा तक का ये कहलाता है हमारे पास कोंकण कोस्ट कोंकण कोस्ट और गोवा से लेके हमारा न्यू मैंगलोर तक का जो एरिया है ये कहलाता है कन्नर कोस्ट और न्यू मैंगलोर से लेके हमारा जो कन्याकुमारी तक का एरिया है वो कहलाता है मालाबार कोस्ट इतना याद रहेगा ठीक है? है अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें हमने यहाँ पर बताया था कि रेड वाला हमारा कौन सा है वेस्टर्न कोस्टल पश्चिमी तटीय मैदान और ग्रीन वाला जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय मैदान ये है हमारा तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के को एक्चुअली अगर आप समझना चाहे तो ये किसके किसके बीच में वेस्टर्न घाट देखिए ये जो है हमारा वेस्टर्न घाट है ये जो पार्ट है ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा वेस्टर्न घाट देखिए ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला ये क्या है ये है वेस्टर्न घाट और ये वाला जो पार्ट है इसी तरीके से पूरा अगर अंदर देख लेते हैं यहां से तो ये होता है हमारे पास ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ज्यादातर घाट का मतलब जो है हम लोग नदी के किनारों से समझते थे बट यहां पर उस तरीके से नहीं है घाट का जो मतलब है ये लैंड पार्ट ही है ठीक है तो ये इनर पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो इनर पार्ट है वही हमारा क्या कहलाता है वेस्टर्न घाट कहलाता है ठीक है ये वेस्टर्न घाट कहलाता है और देखिए इधर अगर हम बात करें इस साइड हमारा और इस साइड अगर बात करें तो इधर हमारे पास है अरब सागर अरबियन सी मतलब अरब सागर है इधर क्या है हमारे पास अरब सागर है याद रखना और यहां पर अगर बात करें इस साइड में तो यहां पर है बॉब बे ऑफ बंगाल तो यहां पर हमारा बे ऑफ बंगाल मतलब हमारे पास है बंगाल की खाड़ी यहां पर है बंगाल की खाड़ी ठीक है यह हमारे पास बंगाल की खाड़ी तो अगर पूछा जाए आपसे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे है तो आप बोल सकते हैं ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका पोजीशन जो है बिटवीन है बिटवीन है किसके न घाट और बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल उसी तरीके से पूछा जाए कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताओ जी इसकी पोजीशन क्या है कैसे इसको बताएंगे कि ये कहाँ है तो हम बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिटवीन अरबियन सी अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट अरेबियन घाट के बीच में ठीक है आसान सा कंसेप्ट है इसको समझा जा सकता है इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए ठीक है प्रॉब्लम्स हो तो आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नंबर मैं यहां पे दे देता हूं सिक्स टू जीरो फाइव टू सेवन डबल थ्री नाइन फोर इसी मेरी व्हाट्सएप नंबर यू कैन टेक्स्ट हियर ठीक है तो ये ये चीज अब अभी हम हमको समझ में आ गया अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग इधर वाले पार्ट को मतलब ईस्टर्न घाट को देख लेते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कर लेते हैं ठीक है तो आइए वेस्टर्न घाट को देख अभी डिलीट कर दिया हमने ताकि ये जो हॉच पौच हो गया था काफ़ी ज़्यादा तो मैंने इसे डिलीट कर दिया है यहाँ पर हम क्लियरली इसे समझेंगे तो ये वेस्टर्न घाट है हमने समझा दिया है क्या है इसकी पोजिशन क्या है किस तरीके से इसकी नेमिंग है बे ऑफ बंगाल है और और कई कई चीज़ें जो है हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट तो अभी क्या करते हैं वेस्टर्न घाट के डिवीजन्स को देख लेते किस तरीके से डिवाइड किया गया इसको देखिए वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर हमारा जो है आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो पड़ता है यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आंध्र प्रदेश का इसको समझने की कोशिश करेंगे अभी ये आंध्र प्रदेश है और ये जो है हमारा अभी डिवाइड हुआ इसी से तेलंगाना ठीक है ये वाला एरिया है तो आंध्र प्रदेश जो है अभी मान के चलिए इसको अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ तो यहां से लेके ये ये वाला पार्ट यह यहाँ तक वाला पार्ट ये आंध्र प्रदेश के अंडर में आएगा ये एपी के अंदर में आग, आंध्र प्रदेश के अंदर में ये वाला पार्ट ठीक है पूरा अगर देखे तो इसी के बीच से होके हमारी कृष्णा नदी गुजरती है जिसका फ्लो जो है है कुछ इस तरीके से है। ये नदी कुछ इस तरीके से बहती है हमारी वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से है और ये नदी ऐसे बहके और बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में ठीक है इस नदी के नीचे वाला पार्ट मतलब इस नदी के से लेकर और ये कन्याकुमारी तक वाला पार्ट। ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास कन्या कुमारी। तो यहां से तक वाला जो पार्ट है मतलब कृष्णा नदी से नीचे तक का पार्ट। है कि नहीं कन्याकुमारी से अगर बोल सकते हैं कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के नीचे तक का जो पार्ट है ये कोरोमंडल कोष्ट कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है क्या कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट इसी को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट या हिंदी में भी इसको कोरोमंडल तट ही बोला जाता है ठीक है कोरोमंडल तट बोला जाता है ठीक है अब इसके ऊपर का जो एरिया है मतलब कृष्णा नदी से लेके और हम अगर बात करें सबसे ऊपर तक चल, चले जाते हैं ठीक है यहाँ से लेके और ये वाला पार्ट ये क्या है वेस्ट बंगाल नदी से लेके हम अगर वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं डब्ल्यू बी है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल होगा डब्ल्यू बी यहाँ पर आपका उड़ीसा होगा यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये उड़ीसा है ये हमारा वेस्ट बंगाल है ये देखिए मैप में आप देखिए यहाँ पर हमारा ये देखिए उड़ीसा है ये ठीक है तो उड़ीसा होगा ये वाला हमारा तो कृष्णा नदी से ऊपर तक का पार्ट कहां तक वेस्ट बंगाल तक का पार्ट तो ये जो टोटल है हमारा कहलाता है मिलाकर नोडर्न सरकार कोस्ट उत्तरी सरकार तट इसको क्या बोलते हैं नॉर्डर्न सरकार या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट उत्तरी सरकार तट ये वाला पार्ट कहलाता है ठीक है उत्तरी सरकार तट अब उड़ीसा में जैसे इसी को उड़ीसा में जो ये वाला पार्ट है देखिए उड़ीसा वाला इतना से देखिए इतना तक है तो उड़ीसा में ये वाला पार्ट जो है इसको उत्कल तट बोल देते हैं क्या बोल है। देते हैं उत्कल तट उत्कल कोष्ट इसको बोल देते हैं उड़ीसा में ठीक है तो इतना जो चीज है वो आपको याद रखना है इसमें कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल और कृष्णा नदी से वेस्ट बंगाल तक जो है नौदर सरकार को उत्कल तट तट जो है इसी में उड़ीसा को बोल देते हैं ये वाला पार्ट हमने आपको दिखा दिया ये उड़ीसा का जितना कोस्ट है ये सारा मिला कर कहलाता है हमारा उत्कल तट इतना समझ में आगे होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए केरल का जो तट है अब यहां पर ये देखिए इस वाले मैप में ये हमारे पास केरला है ठीक है केरल के तट पर मोनाजाइट सेंड पाया जाता है जिसमें थोरियम निकलता है थोरियम की मात्रा जो होती है इसमें बहुत ज्यादा होती है कौन सा सेंड निकलता है अब यहाँ पर जो कुछ अवेलेबिलिटी है कुछ मिनरल्स की तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे तो ये जो है हमारी यहां से निकलने वाली जो मिनरल्स है वो हमारे पास मोनेजाइट सैंड मोनेजाइट सैंड निकलती है ज्यादातर पाया जाता है और इससे जो हमारे निकलता है क्या थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है फ्यूल है ये थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है ठीक है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है मतलब भारत में जो है थोरियम की अवेलेबिलिटी है वो काफी हाई सबसे ज्यादा पाया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में पाया जाता है भारत में पाया जाता है होगा आपको ये चीज समझ में आ गया। तमिलनाडु में मरीना बीच है तेरह किलोमीटर लंबा और यही भारत का सबसे लंबा बीच है अब देखिए तमिलनाडु पे आते हैं केरल में तो ठीक है ये रहा हमारे पास टोटल तो तमिलनाडु हमारा राजधानी इसकी चेन्नई तो यहां पर ये वाला जो बीच है मरीना बीच इसी पे है मरीना बीच जो है यहीं पर है लेंथ की अगर बात करें तो तेरह किलोमीटर लोंगेस्ट बीच इन इंडिया लॉन्गेस्ट बीच इंडिया में सबसे लंबा बीच जो है यहीं पे है अब देखिए कोरोमंडल तट की अगर बात करें कोरोमंडल तट हमारा ये वाला पार्ट पूरा ये यहां से लेके ये वाला ये पूरा कोरोमंडल तट का कोरोमंडल कोस्ट है ये ठीक है यहाँ पर विंटर में भी क्या होती है बारिश होती है यहाँ पर क्या है विंटर में बारिश रेनफॉल इन विंटर पे लिख लीजिए कुरमंडल तट में अगर लिखना चाहे तो रेनफॉल इन रेनफॉल इन विंटर विंटर में भी यहाँ पे क्या होती है रेनफॉल होती है समुद्र की लहरें जब तट से टकराती और वापस आती हैं तो इस क्रम में जो है बैक वाटर यहाँ पर जम जाता है ठीक है ज्यादातर जो है बैक वाटर जमता है इस वाले केरल की मैं बात कर रहा हूँ समुद्र का जो पानी है इधर से ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया तट से तक, तट से टकराया और कुछ पानी जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे गड्ढे में रह जाता है छोटे छोटे गड्ढे में रह जाता है इसी को इस स्ट्रक्चर जो है जहाँ पर पानी जमा होता है इसी को हम लोग लैगून कहते हैं केरल में इसे कयाल के नाम से जाना जाता है तो लैगून जो है लैगून अगर पूछेगा कि व्हाट इज लैगून तो लैगून इज ए स्ट्रक्चर क्रिएटेड आई डिपोजिशन ऑफ वाटर इन स्मॉल उसको बोलते हैं ना ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स और छोटे छोटे गड्ढे में जो पानी जो जम जाएगा उसके द्वारा जो बना हुआ स्ट्रक्चर वही लेगुन है और केरल में इसे क्या कहा जाता है कयाल कहा जाता है केरल में इसे क्या कहा जाता है कयाल कहा जाता है ठीक है केरल में इसे कयाल कहा जाता है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये दोनों चीज देख रहे थे हमारे पास था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहां पर हमारे पास था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेनफॉल जो है टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर टू थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर होता है हमारे पास बारिश और इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल है वो एक सौ बीस सेंटीमीटर का होता है एवरेज रेनफॉल कितने का है एक सौ बीस सेंटीमीटर पे लिख लीजिए कि एवरेज रेनफॉल इन इंडिया एवरेज रेनफॉल इन इंडिया जो है वो है एक सौ बीस सेंटीमीटर के बराबर 120 सेंटीमीटर के बराबर एवरेज रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया 120 सेंटीमीटर के बराबर होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है वो रेन अच्छी खासी होती है इसके पीछे जो रीजन है वो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है ये जो हाइट है यहाँ पर पहाड़ों की वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बाद ये जो कुछ पहाड़ है रेंज है इनकी जो हाइट है वो काफी बड़ी बड़ी जिससे क्या है कि हवा अगर इधर से चलती है मानसून वो हम लोग डायरेक्शन ऑफ विंड में देखेंगे और प्रेशर बेल्ट के पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम इसको क्या करेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये यह ज़्यादा टकराती है एज़ कम्पेयर टू तो द वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो पहाड़ियां हैं वो काफ़ी छोटी हैं क्योंकि ये क्या है ओल्ड पुरानी न्यूली फॉर्म्ड है तो ये थोड़ी बड़ी इससे टकराने के बाद जो ठंडी हवाएं हैं वो बारिश यहाँ पे ज़्यादा करती है यही रीजन है कि मुंबई वगैरह में ये जो बारिश का मौसम है वो हमेशा बना रहता है अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर ही बारिश वहां पे रह जाती है लेट्राइट सॉइल यहाँ पे पाया जाता है एलिगल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है एलिगेल सॉइल यहाँ पे पाने का जो कारण है वो ये यह है यहाँ अगर इस तरीके से बात करिए अगर हमारा इंडिया है तो ज़्यादातर नदियां जो है इस तरीके से आकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है बे ऑफ बंगाल में तो अपने साथ अब सात सेंटीमेंट्स जो है वो कैरी करके लाती हैं और डिपोजिट करती हैं इन सारे तट पे जिसके कारण से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है जलोड़ मिट्टी का जो निर्माण और जो अवेलेबिलिटी है वो हाई है ठीक है जबकि यहाँ पर नहीं है एलिव्यल सॉइल नैरो है जैसे कि आप पिक्चर से भी देख सकते हैं पिछले जो है ये हमने क्या था? बनाया था इसको नैरो बनाया था जबकि इसको हमने दिखाया था विड्स तो इसकी विड्स जो है वो ज्यादा है नैरो है मतलब 100 किलोमीटर टू 150 फिफ्टी किलोमीटर और ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 150 फिफ्टी किलोमीटर्स टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स जो है वो वाइड है मैं आपको अगर दिखा दूं फिगर तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो काफी नैरो है बट ये वाला पार्ट जो है वो वाइडर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ठीक है तो लेंथ जो टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 1400 हंड्रेड किलोमीटर टू 1600 हंड्रेड किलोमीटर गुजरात टू तमिलनाडु यह मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं लेंथ जो है इसकी कितनी ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर टू फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर जबकि इसकी क्या है कम है और वेस्ट बंगाल तो टू तमिलनाडु जो है यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें देखने को मिलता है इसका जो मेन रीजन है इसकी जो लेंथ है वो बढ़ाने का मेन कारण है यहाँ पे गुजरात में गुजरात में काफी घुमावदार और मुरावदार है जिसके कारण से इसकी जो लेंथ है कोस्टल प्लेन की कोस्टल एरिया की वो लेंथ जो है एज कंपेयर टू ये छोटा देखने में अगर हाइट में बात करें तो दिस इज स्मॉल रेड पार्टी इज स्मॉल ग्रीन पार्ट इज लार्जर रेड पार्ट बट स्टिल इसकी क्या है लेंथ ज्यादा है बिकॉज हेयर लॉट ऑफ एरिया कैन बी काउंट क्योंकि यहाँ पर मोर जो है वो घुमावदार है गुजरात जो है वो ज्यादातर जो तटीय एरिया है ज्यादातर जो तटीय लेंथ है उसको गुजरात कवर करता है सबसे कम जो कवर करता है वो गोवा क्योंकि गोवा इतने से पार्ट में है और यही इतना पार्ट कवर करता है गोवा ये वाला सबसे ज्यादा यहाँ पर गुजरात में ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चिल्लाओ बाय थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो